मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में ऑपरेशन भिड़ी पर नजर बनाए हुए हैं। उनके निर्देश पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बुधवार को बहराइच पहुंचे। वन मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने यहां की कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि आम जन की सुरक्षा और भीड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैदी से जुड़ी हुई है। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग लगातार कर रहा है, साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। वहीं बीते दिनों चार मृतकों के आश्रितों को जिला प्रशासन की तरफ से 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पहले ही दी जा चुकी है। शेष के परिजनों को जल्द ही राशि जारी की जाएगी। भेड़िए अब तक 8 लोगों की जान ले चुके हैं, इसीलिए रात को खास सतर्कता बरती जा रही है। तो वहीं ड्रोन से भेड़ियों की तलाश भी यहां लगातार जारी है। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर बहराइच पहुंचे वन मंत्री उन गांवों में भी पहुंचे जहां भेड़ियों ने आम जन पर हमला किया। वन मंत्री ने पीड़ित परिवारों संग ग्रामीणों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान को लेकर विभाग सजग है। 3 बचे भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम हर संभव कोशिश कर रही है। वन मंत्री ने आम जन से अपील की कि किसी भी हाल में रात में बाहर ना सोएं, बच्चों को साथ रखें, दरवाजे खुले ना छोड़िए, लॉक करके रखे, जब तक भेड़िए न पकड़े जाए लाठी आदि लेकर झुंड में निकले। वन मंत्री के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभाग अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव संजय श्रीवास्तव आदि भी मौके पर मौजूद रहे। बताते चलिए कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव संजय श्रीवास्तव ने बताया कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए 16 टीमें तैनात कर दी गई है। यहाँ जिले स्तर पर 12 अधिकारी भी कैंप कर रही हैं। भेड़िया पकड़े जाने तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह यहां कैंप करती रहेंगी। डीएफओ बाराबंकी आकाश बधावन और डीएफओ नवीन प्रकाश भी ऑपरेशन भेड़िए को सकुशल पूरा करने में जुट गए हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग पूरी तरीके से सजग है। ड्रोन और थर्मल ड्रोन से मैप किया जा रहा है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति भी मिल गई है। इसके लिए 2 डॉक्टर भी अब बहराइच की टीम में जुट गए हैं। साथ ही बता दें कि बैठक में जिलाधिकारी की ओर से बताया गया कि जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं वहां अलग अलग फंड के जरिए दरवाजे लगवाए जा रहे हैं। इसके लिए CSR समेत अन्य फंड से पैसा दिया जा रहा है। गाँव में रात को गश्त भी लगातार किया जा रहा है। तो वही आमजन और महिलाओं को जागरूक करने के लिए आशा वर्कर्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।